दोस्तों, अगर आप हैं एक नए यूट्यूबर तो आपको कुछ बेसिक चीजों का जानना बहुत जरूरी है। चाहे हम बात करें थंबनेल की और या फिर हम बात करें SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एक अच्छा SEO करना चाहते हैं यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको समझना पड़ेगा यूट्यूब के एल्गोरिदम को। दोस्तों, एल्गोरिदम क्या होता है आपको बताना चाहूंगा कि जो एल्गोरिदम है, आप एक वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो किन लोगों को पहुंचानी है, कितनी वायरल करनी है, आपकी वीडियो में कितने व्यूज आएंगे और भी बहुत सारी चीजें जो है काफी हद तक वो डिपेंड करती है आपके SEO पे यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। पर दोस्तों, जितने भी नए यूट्यूबर होते हैं वो सभी सिर्फ वीडियो को एडिट करके थोड़ा बहुत और अपलोड करने पे ध्यान देते हैं और वो सोचते हैं कि उससे व्यू आ जाएंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने चैनल की एक कैटेगरी डिसाइड करेंगे। हाँ दोस्तों, आपके चैनल की पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन सी वो सेटिंग है जहां पर जाके आप अपने चैनल की जो है कैटेगरी डिसाइड करेंगे और उसी के अनुसार उसी नीश पे आपने आगे वीडियो डालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप देखेंगे इससे आपके व्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो जल्दी, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने क्रोम या कोई भी ब्राउजर है उस पर जाके आपने YT स्टूडियो को खोलना है, वो भी डेस्कटॉप मोड पे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जोन सा ब्राउजर आपके पास है आप उसे यूज कीजिए और अपने जो अपने YT स्टूडियो है उसको आपने डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहां से देखिए डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेता हूं अपने YT स्टूडियो को। तो आप देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबाइल में खुल जाएगा डेस्कटॉप वर्जन पे। नॉर्मल वर्जन पे ये नहीं खुलता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक सेटिंग है, ठीक है, सेटिंग में जाना है। अब वो सेटिंग आपको कहां से मिलेगी दोस्तों, आप लेफ्ट हैंड की तरफ को यहां पर इस हिस्से को जूम करेंगे तो यहां पर आपको वो सेटिंग दिखाई देगी। ठीक है, अभी देखो जहां पर ये, मैं आपको जूम कर देता हूं, यहां पर ये देखो ये सेटिंग बनी हुई है। ठीक है, यहां पर इसको आपने टैप कर देना है। आप इसको जैसे ही टैप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। और ये जो सेटिंग है YT स्टूडियो की, देखो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है, जनरल का है, चैनल का है, अपलोड डिफॉल्ट्स का है, परमिशंस का है, कम्युनिटी और एग्रीमेंट, इस तरह के आपके सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको अपने चैनल की कैटेगरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट्स में। तो दोस्तों, अपलोड डिफॉल्ट में मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं टैप करता हूं तो आप देखेंगे इस तरह का यहां पर इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर दो तरह का ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है बेसिक इन्फो और दूसरा आ रहा है एडवांस सेटिंग। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने ये एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन है इसमें जाना है। तो यहां पर आप इसे टैप करेंगे, तो आप टैप करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि इस तरह का यहां पर इंटरफेस खुल गया है जहां पर लिखा है ऑटोमेटिक चैप्टर और उसके बाद चार यहां पर ऑप्शंस बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, पहला है लाइसेंस, दूसरा है कैटेगरी, तीसरा है वीडियो लैंग्वेज और चौथा है कैप्शन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर जो ये सेकंड नंबर में कैटेगरी लिखा है ना, यहाँ आपके फोन में इस समय नन लिखा होगा कि आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया है। दोस्तों, बस इसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है और बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। अब YouTube के एल्गोरिदम को ये पता है कि जो आप वीडियो बना रहे हैं वो किन दर्शकों के पास भेजनी है। ऑब्वियसली वो उन्हीं के पास भेजेगा जिसका, जो कि आपके चैनल को लाइक करते हैं, यानी कि जो आपके चैनल, जैसे कि आपका कुकिंग का है तो वो कुकिंग के चैनल वालों को ही भेजेगा। अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो टेक्निकल चैनल वालों को ही भेजेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप पता ही नहीं होगा यूट्यूब के एल्गोरिथम को तो वो कहीं भी रिकमेंड करेगा। अब आपकी वीडियो ऐसी है कुकिंग वाली है, अब वो गेम्स वालों के पास भेज रहा है तो बताइए, तो फिर उसमें व्यू क्यों आएंगे। तो जल्दी से हम समझते हैं इसको। तो देखो, क्योंकि मेरा टेक्निकल है तो मैंने यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसे क्लिक कीजिएगा और आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर कितने सारे ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप गाड़ी वगैरह के बारे में बताते हैं, कोई नई बाइक्स वगैरह आ रही हैं उसके बारे में बताते हैं तो आपने पहला ऑप्शन चुनना है। अगर आप कॉमेडी वगैरह करते हैं, कॉमेडी वगैरह की वीडियो डाल रहे हैं तो आपने सेकंड चुनना है। ऐसे ही एजुकेशन, अगर आप पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपने एजुकेशन चुनना है। एंटरटेनमेंट का हो गया, फिल्म एंड एनिमेशन, एनिमेशन वीडियो बनाते हो तो आप ये सेलेक्ट करें। गेमिंग का हो गया और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं देखो इसमें, स्पोर्ट्स वगैरह का, ट्रैवलिंग ब्लॉग वगैरह, ब्लॉग वालों के लास्ट वाला है जिसमें लिखा है ट्रैवल एंड इवेंट्स। तो इस तरह से आपने अपनी परफेक्ट, जैसे मान लो मैं टेक्निकल है तो मैंने यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चुन लिया है। तो दोस्तों, आप भी इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ये वीडियो लैंग्वेज लिखा है ना, इसको आप जरूर से हिंदी कर लीजिएगा, आपके उसमें ये नॉन लिखा होगा तो इसको हिंदी कर लीजिएगा, तो इससे आपकी वीडियो की रीच और बढ़ जाएगी। जो लोग
हिंदी भाषा वाले हैं उन तक ये वीडियो बहुत जल्दी रिकमेंड हो जाएगा। उसके बाद देखो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखो यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब सेव वाला ऑप्शन आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, क्योंकि मेरे उसमें मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरा पहले से ही सेव है तो यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा है, तो आपने इसको सेव कर लेना है दोस्तों। तो अभी आप बोल सकते हैं कि सर जो हमारी पुरानी वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है, कोई 200 300 किसी ने 10 डाली किसी ने 15 डाली, उन सबकी हमने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आप एक क्लिक में कैसे अपनी पुरानी वीडियोस की सबकी कैटेगरी एक जैसी कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल सही वाले जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक जाए। तो देखो तो क्या करना है आपने, आपने यहां से सेटिंग वाले ऑप्शन से बैक आ जाना है, ठीक है। अब आप यहां से बैक आ जाओ अपने मेन चैनल पे, तो उसके लिए देखो वापस आप चैनल के डैशबोर्ड पे आओगे, ठीक है। आपने यहां पर से वीडियो वाला ऑप्शन चुन लेना है जहां पर हमारी सारी वीडियो आती हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। अब आप देखो दोस्तों ये इतनी सारी हमारी जो वीडियो आ गई हैं, ठीक है। पर ये वीडियो आप लोग सेलेक्ट ही नहीं करते हो कि उसमें जब वीडियो डालते हैं आप उसमें देखा करो कि मुझे किस कैटेगरी में ये वीडियो डालनी है, क्योंकि कई लोग अधिकतर लोग मोबाइल से करते हैं और मोबाइल में ये सारे फंक्शन आते नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यू में असर पड़ता है। तो आप उसके बाद देखो अब ये सारे मैं एक क्लिक के अंदर सारी वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट कर दूंगा, तो कैसे करना है मैं दिखाता हूं। यहां पर देखो ये वीडियो का ऑप्शन आ रहा है ना, ये इसके ऊपर आप क्लिक करो, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे चाहे वो जितनी वीडियो होंगी, ठीक है, उसके बाद आप ये यहां से ये राइट साइड में देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप एडिट के ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो इतने सारे फंक्शंस खुल जाएंगे। तो यहां पर आप देखो कैटेगरी वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो यहां पर आप देखो ये देखो कैप्शन सर्टिफिकेट के नीचे कैटेगरी वाला ऑप्शन है, बस आप इसे यहां से क्लिक कर दीजिए। ऐसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां से जैसे तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें आपकी जो कैटेगरी आपके वीडियोस की है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आप उसे जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से देखो यहां पर ये राइट साइड पे ये लिखा हुआ रहा है अपडेट वीडियोस, ठीक है। ये अपडेट वीडियो को आपने यहां पर से उसे अपडेट कर लेना है, तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपका पूरे वीडियो की एक ही कैटेगरी हो जाएगी। और कोशिश कीजिए एक ही नीश पे आप काम कीजिए, चैनल एक ही तरह की वीडियो डालिए। दोस्तों ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो रहा हेल्पफुल तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और अगर आपकी YouTube के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज और प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे बताइएगा, मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर एक सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। मुझे आप आगे दीजिए, अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।